एक बेटे के सामने उसका बाप जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप सब उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है तो वो अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करेगी? बरगा, तुम उसे एक बार फोन तो करो। जिया, क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकती हो? प्लीज, बस एक बार, अभी। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ना अभी ना कभी, समझ गए तुम? जिया, प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत है लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। हम सब तब से तैयार हैं बेटा, पर तू यहाँ टीवी देख रही है। अरे बेटा, टीवी में ऐसा डॉक्टर बी नेगेटिव ब्लड मिलना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज अपने सोर्स से कुछ अरेंज करवाइए। देखिए, हमारे पास सिर्फ 6 बॉटल थी और हमने 6 के 6 बॉटल मिस्टर करण को लगा दी। अब आपको एक बॉटल कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी। अब भी नेगेटिव ब्लड का इंतजाम कैसे करूंगा? प्लीज प्रतीक, ताओ तुम लोग, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? यदि पॉजिटिव तो मुझे कहीं से भी बी नेगेटिव ब्लड चाहिए। तुम सबसे पता करो किसका ब्लड बी नेगेटिव है। हाँ, जल्दी अर्जन। It's an emergency, please. Yeah, fast. Appu? Appu? Jiya, तुम यहाँ कैसे? मुझे अप्पू से मिलना है। कोई फायदा नहीं, गार्ड तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। वो कहाँ गया? अंकल के लिए बी नेगेटिव ब्लड चाहिए जो मिल नहीं रहा है, बस उसी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। ये ब्लड ग्रुप तो मेरे पापा का भी है। तुम ये बात अप्पू को प्लीज बता दो ना। पर महेश अंकल हैं कहाँ इस वक्त? पापा, तुम चलो मेरे साथ। पता नहीं डब्बू अप्पू से मिल पाई या नहीं। अंकल। हाँ बेटा। अप्पू के पापा का ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिलता है और उन्हें इस वक्त ब्लड की बहुत जरूरत है। अंकल, आपको ब्लड डोनेट करना होगा अभी इसी वक्त। हाँ तो ठीक है, बोलो चले। चलिए पापा। हाँ, हम ब्लड डोनेशन के लिए। ठीक है, आप चलिए। पर अंकल, आप डैड के कजिन हैं, हमारी फैमिली में कोई तो होगा जिसका ब्लड बी नेगेटिव है। ना ना सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ कीजिए आप जल्दी। Don't worry, Dad. Don't worry. अंकल, आप सचमुच बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। एहसान? आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया, हर छोटी छोटी बात को एहसान समझने लगती। अरे भाई, मैं जो कर रहा हूँ वो बस मानवता की पुकार है, उसमें इतना ढोल पीटने की क्या जरूरत। वैसे भी वो कहा गया है ना, अगर किसी को देना हो तो यूं दो, दाया हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, समझी? किसी का जीवन बचाने के लिए मैं खून तो क्या, अपना जीवन भी दे सकता हूं। बरखा, अप्पू कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? वो बस भाग दौड़ में लगा होगा। उसने सुबह से कुछ खाया भी है या भूखे पेट ही दौड़ भाग करा है?
हाँ, मैंने उसे अपने हाथों से जूस पिलाया। समझाओ इसे बरखा, अगर सचमुच अप्पू से इतना ही प्यार करती है तो फिर इस बात को माने। जब से सुना है पागल हो गई। बरखा, मुझे अप्पू से मिलना है, प्लीज मिलवा दो मुझे। जिया, 4 बजे से पहले तो अप्पू से कोई नहीं मिल सकता। अब कुछ ही घंटों की तो बात है, तुम टेंशन मत लो। देखिए, इस वक्त हमें मिस्टर करण सेठ के लिए ब्लड की सख्त जरूरत है। ब्लड मिल गया आपको या ये बात हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं? नो, थैंकफुली हमें ब्लड मिल गया। मैडम, किसने दिया? किसने दिया मैडम? मैंने। ओ चलो, एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ एक मिनट आएंगे? बरखा मैडम ने ब्लड दिया। आपको ब्लड मिल गया? मैंने डोनेटर ढूंढ निकाला। नाउ यू डोंट हैव टू वरी। थैंक्स बरखा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यू हियर दैट? Got your blood. Can be fine now. क्या बात है आपको? तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, ब्लड तो मिल गया, मुझे तो खुश होना चाहिए। पता नहीं क्यों परेशान हो, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत है। Something's wrong. I don't know what it is. You just relax. सब ठीक हो जाएगा। Thanks, Barkha. डब्बू, प्यार करने वाले कभी हारते नहीं। देख, तू रिसेप्शनिस्ट से लड़ी है और जीती, और अब अप्पू से मिले बगैर तू वापस मत जाना। कैसे मिलूं उससे मैं? कोई मुझे मिलने नहीं दे रहा है, कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। बेटा, अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और फिर प्यार करने वालों को ना आज तक दुनिया रोक पाई है और ना अब रोकेगी। कहाँ? मुझे अंदर जाना है, मुझे उनसे मिलना है। मैडम, कौन है आप? मैं उनकी होने वाली बहू हूँ और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, हमें सख्त आदेश दिया गया है कि उनके कमरे में किसी को भी जाने नहीं दिया जाए। ये बाहर कौन चला रहा है? अब तुम बैठो अंकल के पास, मैं देखती। देखिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं बेटा, प्लीज मत जाइए अंदर आप। अरे आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना जरूरी है, मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। देखिए मुझे प्लीज अंदर जाना। प्लीज प्लीज रुकिए मैडम, यहीं रुकिए, मत जाइए प्लीज। मैं मुझे जाना पड़ेगा। नहीं मैडम प्लीज, देखिए मुझे आप जबरदस्ती करने पे कोशिश मत कीजिए मैडम प्लीज। मैं तो जाऊंगी। देखिए, मिस्टर सेठ की कोई फैन जबरदस्ती अंदर घुसकर उनसे मिलने के लिए हंगामा मचा रही है। आप प्लीज उसे बाहर निकलवाइए। अरे मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मेरा जाना जरूरी है, प्लीज मेरी बात समझिए। नहीं प्लीज, आप प्लीज मिस कर रहे हैं लेकिन मेरे मजबूरी नहीं समझ रहे। क्यों चिल्ला रहा आप इधर? अरे यार छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे मत निकालिए प्लीज। अच्छा सुनिए, अगर मेरा एक काम कर दीजिए, मेरा मैसेज अप्पू को दे दीजिए प्लीज। कल्पना, पेन और कागज देना।
Thanks. Dad, I hope you can hear me. Dad, मैं जिया से प्यार करता हूं. सच्चा प्यार. प्लीज हमें अपना लीजिए. डैड, बस एक बार अपना गुस्सा छोड़कर हमें आशीर्वाद दे दीजिए. प्लीज डैड. डैड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. एक तरफ जिया ने मुझे छोड़ दिया है और आपको इस हाल में मैं नहीं देख सकता हूं. दोनों तरफ मेरी हार ही हार है. आप गुस्से में आकर पता नहीं ये सब क्या हो गया आपको और जिया ने मुझे छोड़ दिया. शायद मुझ में हिम्मत नहीं है जिया का सामना करना. डैड, प्लीज मुझे हिम्मत दीजिए. प्लीज. प्लीज डैड. आपके लिए किसी लड़की ने भेजा है. अप्पू, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा. जिया, इट्स जिया. मिस्टर अपूर्वा, आपके फादर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. उनकी कंडीशन कुछ क्रिटिकल है. डैड, ओह माय गॉड. डैड, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा. कीजिए.
कीजिए ना, प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए ना, प्लीज आप लोग बाहर वेट कीजिए, पेशेंट की हालत काफी खराब है, प्लीज डॉक्टर मुझे यहाँ होना चाहिए, प्लीज इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज चलो आपको बाहर चलो कम। ये डॉक्टर्स क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं डैड को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, इस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए। अब तू संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स पे भरोसा रखो, इस वक्त हमें बाहर ही रुकना चाहिए। लेकिन बरखा सुनो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, यहाँ आओ, यहाँ पर छोड़ो अभी, यहाँ देखो अप्पू, हम सब है ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तुम फिक्र मत करो, अंकल ठीक हो जाएंगे, वो है ना, वो सबकी रक्षा करता है, तुम भरोसा रखो ऊपर वाले पर, अंकल जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, अब इतना टेंशन मत लो। तो पी लो, कुछ खाया भी है या नहीं तुमने पता नहीं, लो। आप जल्दी से मेडिसिन लेके आइए, और आप लोग कभी मिस्टर करण के पास जाके बैठ सकते हैं। अब इनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं। सिस्टर इसमें से कौन सी दवाई देनी है? ये मेडिसिन दे दीजिए। ये मुझे दो जी। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। नहीं अंकल को मैं दवाई देती। मैं
क्या हुआ? ये सब क्या है? ये अपू, मैं अंकल को अब वो मैं बॉटल खोलने की कोशिश कर रही थी और मेरे हाथों से फिसल गई। छोड़ो ना ये सब बातें, तुम देखो अंकल की तबीयत अभी सुधर रही है। मैंने कहा था ना ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ जी, जब तुम साथ में होती हो तो हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक्स। बात कर रही है, जब से उसकी जिंदगी में आई है तूफान मचा दिया है तुम। अपू जब भी तुमसे मिलता है तुम उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हो। तुम जानती हो करण अंकल को किसकी वजह से हार्ट अटैक आया था? तुम्हारी वजह से। अब तुम अपना ये खेल बंद करो, अपू को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और करण अंकल वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते।